भारत को और शक्तिशाली बनाने के लिए मोदी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मोदी सरकार देश में बड़ा रक्षा उत्पादन उद्योग बनाने की योजना में। मोदी सरकार की इस योजना के पूरे हो जाने के बाद भारत का नाम अगले 10 साल में सैन्य उपकरण बनाने वाले अमेरिका, फ्रांस, रूस, चाइना जैसे बड़े देशों की फेहरिस्त में शुमार हो जाएगा। मोदी सरकार का प्रमुख जोर लड़ाकू विमानों, लड़ाकू हेलीकॉप्टरों और स्वदेशी हथियारों सहित टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों के निवेश पर है। नीति के मसौदे के मुताबिक सरकार वर्ष 2025 तक सैन्य वस्तुओं एवं सेवाओं में 1,70,000 करोड़ रुपए के कारोबार को हासिल करने के बारे में सोच रही है। इस साल मार्च में स्वीडन के एक थिंक टैंक द्वारा जारी की गई अपनी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पिछले 5 साल में भारत दुनिया में सैन्य हार्डवेयर का सबसे बड़ा आयातक रहा है। साल 2004-08 की तुलना में भारत द्वारा पिछले लगभग 5 साल में प्रमुख हथियारों के आयात में 111% की बढ़ोतरी हुई है। इन्हीं पहलुओं को देखते हुए मोदी सरकार देश में बड़ा रक्षा उत्पादन उद्योग बनाने की योजना में है। मोदी सरकार का रक्षा उत्पादन उद्योग बनाने का ये मसौदा तैयार हो चुका है। सरकार जल्द ही इसे कैबिनेट मंजूरी के लिए पेश करेगी। जाहिर है मोदी सरकार की ये योजना एक तरफ जहां देश को सैन्य उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा, वहीं देश के युवाओं के लिए रोजगार का भी बड़ा अवसर पैदा करेगा।